यार अगर वीडियो अच्छी लगती है, कंडीशन है, पहली बात कंडीशन है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अदरवाइज चिल करो, कोई टेंशन नहीं। अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यार ये आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ पे कैलकुलेटर की जो आइकन है वो खुद ही आया हुआ है, स्क्रीन में थोड़ी सी खराब है लेकिन यहाँ पे आया हुआ है। और अगर मैं कोई चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, मतलब ये जो ब्राउज़र खुला हुआ है, तो अभी मुझे कैलकुलेटर ओपन करना तो चाहते एक ये तरीका है, मैं इसको ओपन करूँ यहाँ पे, यहाँ मैं कैलकुलेटर सर्च करूँ, या मैं डेस्कटॉप पे जाऊँ वहाँ पे जाके कैलकुलेटर ओपन करूँ। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से ये देखें कंट्रोल, ये कंट्रोल इधर भी लैपटॉप पे भी आए, और ये कंट्रोल आल्ट और सी प्रेस करूँगा, कैलकुलेटर ना ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ये देखें आप, कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। तो इस तरह ना आप ऑटोमेटिकली विद इन अ फ्यू सेकेंड ना एक ना कीबोर्ड के की के साथ ना आप कैलकुलेटर ओपन कर सकते हो। तेरा भाई अपने डेस्कटॉप पे आ गया, तो आज हम लोग ना कैलकुलेटर के एक शॉर्टकट की क्रिएट करने वाले हैं, और कैलकुलेटर को डेस्कटॉप पे भी लेके आने वाले हैं। ऐसे कैलकुलेटर को आप डेस्कटॉप में नहीं लेके आ सकते हो, ठीक है? तो कैसे डेस्कटॉप पे आएगा, उसके बाद उसकी शॉर्टकट की कैसे क्रिएट करते हैं वो भी बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अगर आप लोग सर्च करते हो कैलकुलेटर, आपको यहाँ से कैलकुलेटर मिल जाता है विंडो से ना, या आप लोग चेक करो यहाँ से इसको कैलकुलेटर को ओपन कर सकते हो। ये एक तरीका ओपन करने का, ठीक है? इसके अलावा अगर आप लोग चेक करो ना कि कैलकुलेटर, इसको मैं भी करता हूँ, ये जो कैलकुलेटर है स्टैंडर्ड कैलकुलेटर साइज है इसका, इसको मैं क्लोज करके ना इसको डेस्कटॉप पे यहाँ पे लेके आऊँगा, ठीक है? और इसके बाद इसकी शॉर्टकट की भी क्रिएट करूँगा। तो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ एक दफ़ा, जो विंडोज़ की चीज़ है ना, यहाँ पे विंडोज़ कैलकुलेटर सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ इसके ऊपर जाके, तो यहाँ पे हमें कोई भी ऑप्शन नहीं है कि हम डेस्कटॉप पे लेके आएँ, इसकी कोई शॉर्टकट क्रिएट कर लें, या इसकी कोई प्रॉपर्टीज़ खोल लें, कुछ ऑप्शन नहीं है। तो मैं वो चीज़ ना ओपन करने वाला हूँ। तो आपने सबसे पहले ना जाना है अपने दिस पीसी में, ठीक है? यहाँ से आपने जाके लोगों को सी ओपन करनी है, उसके बाद आपने विंडोज़ का फोल्डर सबसे जो नीचे है ये वाला ओपन करना है, ठीक है? इसको ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सिस्टम 32 का एक फोल्डर है वो आपने ओपन करना है। आपने एस सर्च कर लो, एस क्लिक करोगे यहाँ पे तो वो आ जाएगा सिस्टम 32, यहाँ पे इसको ओपन कर लेना, ठीक है? इसको ओपन करना है। तो इसके बाद ना एक काफ़ी ने एक ना सी कैलकुलेटर यहाँ पे ना होएगा, ठीक है? तो आपने क्या करना है कि सी वाला बटन प्रेस करना है, सी वाला नहीं सिंपल प्रेस करना है, सी के बाद ए भी प्रेस करना है, सी और ए एक साथ करना है, सी ए, तो वो ना हमें जल्दी ले जाएगा। ऐसे सी प्रेस करोगे तो इतनी जल्दी चेक करना, सी इतनी जल्दी नहीं लेके आ रहा। तो अभी मैं ना सी ए प्रेस करता हूँ, तो देखना कितनी जल्दी वहाँ पे हम लोग पहुँच जाते हैं ये चेक करना। वो देखो सी ए एल वाला आ गया, तो आपने सी ए एल भी प्रेस कर सकते हो एक साथ, सी ए एल प्रेस कर दो कीबोर्ड से, तो वो आप डायरेक्ट में वहाँ पर पहुँचोगे। तो इसको ओपन कर लिया, मतलब ये वहाँ पे आ गया, ये हम सी एल पे पहुँच गए। तो उसके आपने ऊपर ना राइट क्लिक करना है, सी एल के ऊपर कैलकुलेटर यहाँ पे ना आ गया, तो इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, तो इसको सेंड टू डेस्कटॉप कर देना, ये शॉर्टकट इसका क्रिएट हो जाएगा डेस्कटॉप पे, ठीक है? तो ये इसको हम लोग अभी क्लोज़ कर देते हैं, इसका काम ख़त्म, ठीक है? तो इसको क्लोज़, तो इसका जो शॉर्टकट आगे लिखा हुआ है इसको हम लोगों ना रिमूव कर देते हैं, ताकि ज़रा एक जेन्युइन सा लगे। इसको थोड़ा सा रेज कर देते हैं, ठीक है? ये रेज हो गया, इसको एंटर मार दो। तो अभी ये कैलकुलेटर को ओपन करके आप दिखाते हैं, नॉर्मल कैलकुलेटर हमारा ना ओपन हो रहा है, ठीक है? ये देखिए कैलकुलेटर ओपन हो रहा है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि इस कैलकुलेटर के ना एक शॉर्टकट की क्रिएट कर दूंगा, कि जब भी आपने इसको ओपन करो, एक ये प्रॉपर्टीज़ पे जाना आपने, तो एक शॉर्टकट की कीबोर्ड से कुछ बटन प्रेस करोगे ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों ने नन के शॉर्टकट की है ना, यहाँ पे नन लिखा हुआ है, आपने कोई भी कीबोर्ड से ना बटन प्रेस करना है, जैसे मैं क्यू डब्ल्यू टी कुछ भी प्रेस कर रहा हूँ, तो ये ना वहाँ पर ले। अभी ना कंट्रोल, ये देखिए कैप्स लॉक यहाँ पर लिखा गया ना, तो कंट्रोल आल्ट और कैप्स लॉक मैं प्रेस करूँगा ना, तो यहाँ पर कीबोर्ड मेरा वो जो है ना कैलकुलेटर ओपन कर देगा। तो अब मैं यहाँ पर ना सी रख रहा हूँ, आल्ट कंट्रोल और आल्ट इसने खुद सिलेक्ट करना है, आपने आगे वाली की बात ना कीबोर्ड से कोई एक बटन प्रेस करना है बस, वो वाली की यहाँ पे ये ना रख लेगा, ठीक है? तो अगर आपने इसको ख़त्म करना, तो आपने नन शिफ्ट का बटन प्रेस कर देना, यहाँ पे वापस से नन आ जाएगा। शिफ्ट का बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पे नन आ जाएगा, अदरवाइज ये सारा ना इसी तरह ओपन हो जाएगा। शिफ्ट का बटन प्रेस करोगे तो नन आ जाएगा। तो भाई यहाँ पे ये सारा देखने के लिए जो सा मर्जी आप ऐसा बटन रख सकते हो, ठीक है? कोई ऊपर वाले एट द रेट भी रख सकते हो, एक्सक्लेमेशन मार्क भी, उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ इसको। तो अभी ना मैं यहाँ पे कि कोई मतलब ये चीज़ इसके लिए है कि अगर आप कोई ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, जैसे कि मैं उसको ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आपको एकदम से ना कैलकुलेटर की जरूरत पड़ गई है, तो आप लोग ना एक शॉर्टकट की अप्लाई करोगे, तो वो यहाँ पे ना कोई चीज़ की मुझे कुछ सॉल्व करना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट की कंट्रोल आल्ट और मैंने सी रखा हुआ है ना, तो मैं सी प्रेस करूँगा, तो मेरा कैलकुलेटर विद इन अ फ्यू सेकंड ओपन हो जाएगा। तो अभी आपको प्रेस करके दिखाता हूँ, कंट्रोल आल्ट सी, ये देखें ओपन हो गया। इसको फिर से क्लोज करके फिर से ओपन करते हैं, कंट्रोल आल्ट और सी प्रेस करेंगे, हमारा कैलकुलेटर एक दफ़ा फिर से ओपन हो जाएगा, ये देखें। तो इस तरह ना आप इधर से आराम से आप इधर से ऐसे जैसे मर्जी इसको यूज़ करें, और फिर इसको ना वापस से क्लोज़ कर सकते हो। तो ये एक तरीका है कि आप इसका कैसे शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो। ये देखें, इसको मल्टीप्लाई करो, प्लस करो, उसके बाद इसको डालो, और उसके बाद इसको ना वापस से क्लोज़ कर दो। ये इन चीज़ों का ना इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि ये डेस्कटॉप पे आ गया। तो लेकिन एक चीज़, अगर आप इसको डेस्कटॉप से डिलीट कर देते हो इस शॉर्टकट को, तो ये वाला जो मेथड है कंट्रोल आल्ट सी, ये खत्म हो जाएगा।
आप इसे डेस्कटॉप से इस आइकन को पकड़ के ना, ये जो शॉर्टकट है इसको पकड़ के आप कहीं भी विंडोज़ लोकल डिस्क डी में रख लो, इधर उधर रख लो, कोई टेंशन नहीं है, फिर ये चलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ से इसको डिलीट कर दोगे तो ये जो शॉर्टकट की आपने रखी है ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोग शॉर्टकट की इस तरह ना रखी जाती है, आप चेक कर सकते हो, बहुत ईजी मेथड है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको इसी तरह के एक न्यू वीडियो में, न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड वाला, बाय बाय बाय।